शिवाय शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाससंकप्रियं काशीसंकलिकल्मसौघसमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं। जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान। सज्जन वृंद, आमे ये पवित्र श्रावण मासरे श्रवण करिबा काशी विश्वनाथंकर कथा। काशी धाम, पवित्र धाम, मुक्ति धाम, अविमुक्त धाम। अविमुक्त क्षेत्र बोली काशी क्षेत्र को कहा जाए। कहीं कि कहा जाए आमे सुनिबा। काशी रे जो विश्वनाथ अछंती साक्षात कैलाशपति शंकर भगवान निजे निजक स्थानांतरित करिछंती काशी धाम को। प्रबाद अछि एकदा हिमालय रे पार्वती को अन्य देवकन्या माने कहले, आगो पार्वती देवी, तुम्हार स्वामींकर घर कोठी, तुमर ससुर घर कोठी बा सासू घर कोठी, तांकर कौन घर द्वार किसी नहीं, से तुमरी हिमालय उपर ही रही, तुमर पितांक घरे माने ससुर घर रे ज्वाई रही। ज्वाई जदि ससुर घरे रहती तांकर सम्मान एते बढ़ेना। आजि पर्यंत ये प्रबाद भारतवर्ष रे प्रत्येक प्रदेश रे प्रत्येक प्रांत रे प्रचलित अछि जे घर जा माई बा घर जईया जो माने होंती से मानकर कौनसी प्रकार ओजन न थाए व्यक्तित्व रे। जाओ ससुर घरे ज्वाई भौणी घरे भाई एमती सब अच्छी माननको बहुत हीनदृष्ट देखती सामाजिक व्यक्ति माने। पार्वती को कथाटा भारी दुखदायक लगिला, तांक हृदय को बाधिला जे सते तो मु जहा को बाहैछि से होचंदी देवदेव महादेव, सी होचंदी साक्षात त्रिभुवनर ईश्वर, हेले मध्य तांकर घर नाही, द्वार नाही, किसी नाही, खोला जगार बसुंच सहजे तो तांकर वस्त्र आवश्यकता नाही, दिगंबर हो जाउचंती। आ दिगंबर फकीर हेले चलिबो। जेतेबेले वस्त्र सृष्टि नथिला सेतेबेले से जन्म होइतिले, तेणु तांकर वस्त्रर कोनोसी आवश्यकता नाही। किंतु कहउछंती देवी पार्वती जे हे शंकर भगवान, हे मोर पति परमेश्वर देवदेव महादेव, गोटे कथा मते बहुत दुख लगी ना, कौन ना किसी देवकन्या माने मोते आघात करी मोर मन को आंदोलित करी किसी मंतव्य देइचंती, जो मंतव्य रे मु टिके विचलित हो जाइछि। से मंतव्य कौन पार्वती पचारे शंकर भगवान। पार्वती कहते समस्ते कहते जे तुम स्वामी कौन घर द्वार ना, जगा बाड़ी किसी ना, बा कौनसी तांकर ठिकना ना, से ससुर घरे रहिया को आजीवन ससुर घर रहा स्थिर करछंती। ता कौन चाहूच पार्वती, शंकर भगवान पचारे। पार्वती कहते मोपाई गोटे घर तैयारी कर दियो, मु बाप घरे रही पारिबी ना। देवदेव महादेव कहले आउ ठीक अछि, आउ गोटे क्षेत्र एपरी क्षेत्र मु प्रस्तुत करूछि जो क्षेत्र रे आमे उभय रहिबा। पार्वती पचारुचंती से क्षेत्र रे हिमालय परी धन धान्य थिबो तो, आउ खाद्य पानीय सब मिलिबो तो ना। देवी पार्वती तुमे सेठारे हे जीवो अन्नपूर्णा सेठी कौनसी अभाव रहिबो नाही। ताहले से क्षेत्र कोठी ना चलो जीवा वृषभ आरोहण कले से गंगार धारे धारे चली आसिले पहुँची गले काशी क्षेत्र रे सुंदर स्थल। विश्वनाथ कहले यही है मोर चिरदिनर क्षेत्र सर्वदा नित्य मुठी निवास करी। कैलाश पर्वत रे साधारण मनुष्य सबु बेले मत दर्शन करि पारिबे नाही किंतु ए क्षेत्र रे मु सर्वदा दर्शन देवी। यह है अभिमुक्त क्षेत्र जो क्षेत्र को छाड़िकी मुझे आउ के जीवी ना। तबे काशी विश्वनाथ काशी रे रही गले एवं माँ पार्वती अन्नपूर्णा रूप धारण कले बा लक्ष्मी जमी अन्नपूर्णा पार्वती हो गले अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। तेणु आम स्तुति करुचु शंकर प्राणवल्लभा हे अन्नपूर्णा तुम्हें आमको दियो भोज्य दियो भोजन दियो धनरत्न दियो। अन्नपूर्णा देवी जी की सुवर्ण वृष्टि करी पारंती सुनार धारा कनक धारा स्तोत्र सुनी अन्नपूर्णा सुवर्ण वृष्टि करिसेंती। तेणु से होचंती लक्ष्मी सरस्वती से होचंती पार्वती से होचंती अन्नपूर्णा शिवंकर महाशक्ति रहिचंती। आउ काशी विश्वनाथ सेठारे निवास करिचंती। काशी क्षेत्र है जाइछि एक विशाल सुंदर शक्तिपीठ शिवशक्तिर पीठ। काशी विश्वनाथ यदि आपण दर्शन करिवे से क्षेत्र रे गणेश अछंती कार्तिकेय अछंती एवं शिवंकर समस्त पार्षदवृंद अछंती नंदी अछंती। किंतु काशी विश्वनाथ स्वतंत्र भाव निज जे स्वयंभू लिंग भाव द्वादश ज्योतिर्लिंगर एक अंश भाव से विद्यमान अछंती। काशी रे अनेक घाट हरिश्चंद्र घाट इत्यादि अनेक घाट अछंती 84 घाट। काशी रे पवित्र गंगा नदी रे एते सुंदर घाट कहा जाए। ये काशी वाराणसी जल रे जी भी मृत्युवरण करिव जीवंत व मृत अवस्था रे जी गंगा जल को एठी स्पर्श करिव से मुक्ति लाभ करिव। वाराणस्यं जले मुक्ति द्वारकायं जले स्थले चंतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे। वाराणसी जल रे मुक्ति द्वारकार जल स्थल उभय स्थान रे मुक्ति आउ पुरुषोत्तम धाम रे जल स्थल अंतरिक्ष जोठी मृत्युवरण कले मध्य मुक्ति सुलभ होता है बोली कहा जाए। तबे वाराणसी रे मुक्ति एइथिपाई होता है जे शंकर भगवान जी मुक्ति पाउ नथिबो पापी होता जेते बड़ पापी होता सब पहुँची गले काशी धाम रे। शंकर भगवान निजे जाई तार कर्णपुट रे राम तारक मंत्र प्रदान करती शुणई दियंती। तेणु से जीवात्मा मुक्तिर भागी हो जाए। सज्जन वृंद कैलाश पर्वत रु आसी काशी धाम रे विद्यमान होती। आमे कहू का शीतल वाहिनी गंगा शीतल वाहिनी शीतला नदी हिसाब रे गंगा कोठी अछंती ना। का शीतल वाहिनी गंगा का सी को मिसई दियो काशी तल वाहिनी गंगा अर्थात काशी धाम रो तल रे बा काशी धाम रो पाखरे गंगा प्रवाहित होउछंती। जेमिति प्रवाद अछि कंग बलवंतं न बाधते शीत क्यों बलवान लोक को शीत बाधा दिएनी ना। कंग बलवंतं न बाधते शीत प्रश्न जहाँ उत्तर सेया कंबलवंतं कंबल जहाँ पाखे थाए ताकू शीत हुए नी। कंग बलवंतं न बाधते शीत ना कंबलवंतं न बाधते शीत का शीतल वाहिनी गंगा ना काशी तल वाहिनी गंगा। तबे काशी तल वाहिनी गंगा होचंदी पवित्रतमा से जलरे आज पर्यंत अनेक उत्तर प्रदेशर अनेक व्यक्ति तांकर केही गृहरे केही मृत्युवरण कले निजर भाई बंधु कुटुंब से माने तांकु गाड़ी रे नहीं 200 300 400 500 किलोमीटर हो बरंग नहीं काशी क्षेत्र रे गंगा रे भसई दियंती विश्वास जे निश्चित भाव से मुक्ति लाभ करिवे आउ जरा जन्म दुख उघता तप्यमान हेबे नाही अर्थात बारंबार जन्म मरण चक्र रे पड़ी से दुख भाग बा दुख भोग करिवे नाही। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं बारंबार मातृगर्भ को जीव आसुछि तेणु अनेक समय जीव चिंता करे मुक्ति लाभ करी मुक्ति लाभ करिवार जो धाम जो क्षेत्र अछंती से क्षेत्र मानक भितरे काशी क्षेत्र अन्यतम आउ काशी विश्वनाथ प्रसाद लाभ करी तांकर कृपा लाभ करी काशीर नरपति से अत्यंत प्रतापशाली होते काशी नरेश सेते बेले महाभारत रे मध्य युद्ध करिथिले। महाभारत रे जो प्रचंड योद्धा मानकर नाम उल्लेख अछि काशी राजस्तु वीरजवान बोली श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय रे सैन्य गणना रे महारथी मानक गणना रे काशीराज आसीछंती अत्यंत प्रतापशाली काशीराज महाभारत युद्ध रे युद्ध करिछंती पांडव मानक पक्ष रे युद्ध करिछंती किंतु युद्ध शेष रे से मृत्युवरण करिनाहंती युद्ध रे नमरी से आसी जाइछंती पांडव मानक जय करै देई फेरिछंती काशी धाम को किंतु महाभारत रे से प्रचंड युद्ध भितरे काशीराज अनुभव कले जेहेतु काशी विश्वनाथ कृपा नहीं से जाइथिले से अजय होइथिले किंतु मन भितर गोटे गर्व आसला अहंकार आसला वास्तव में ये महाभारत युद्ध को आम एकुटिया काशीर बा काशीराजांकर सैन्य माने जीति पारि थांतु जदि समस्ते गोटे पटे ही थांते पांडव कौरव आमे गोटे पटे ही थांतु तथापि आमे जिणी जाई थांतु ताहले कौन करिवा युद्ध कहा सहित करिवा वर्तमान तो समस्ते कही नहांते दुर्योधन नाही कि दुशासन नाही कर्ण नहांती द्रोण नहांती भीष्म नहांती कृपाचार्य नहांती कहा संगर युद्ध करिवा मने कले जे आमे जदि युद्ध करिवा तबे चलो श्रीकृष्ण चंद्र होउछन सबुठार शक्तिशाली द्वारकाधीश तांक विरोध रे संग्राम करिवा। काशीराज काशी विश्वनाथ पाखरे अधिया पड़िले शरण पशिले प्रभु मते बर दियंतु मु जय करी द्वारकाधीश श्रीकृष्ण चंद्र भोलानाथ भक्तर प्रार्थना श्रवण करी भक्तर गुहारी सुनी भोलानाथ तथास्तु कहीदेले से तो आशुतोष कहीदेले हाँ हाँ तथास्तु तथास्तु एवं देले तांकर त्रिशूल आउ पाशुपात अस्त्र ये अस्त्र नहीं जीवे काशीराज युद्ध करिवा पाई द्वारका सैन्य संग्रह हो गला सैन्य सेना साजी काशीराज जाउछंती द्वारका अभिमुखे द्वारकार अदूर रे अछंती समुद्र पारी ही नांती द्वारका तो समुद्र भीतर तबे समुद्र बाहर अछंती कृष्णचंद्र देखिले द्वारका को आक्रमण करिया पे काशीराज आसुछंती कृष्णचंद्र पथ मध्य पहुँची गले काशीराज एवं कृष्णचंद्र प्रबल संग्राम हला से युद्ध रे काशीराज सैन्य सामंत सब बध हो गले एवं काशीराज मध्य तांकर मस्तक छेदन करदेले कृष्णचंद्र सुदर्शन चक्र रे काशीराज बध हो गला। ये खबर ये संवाद देवर्षि नारद आसी काशी विश्वनाथ को साक्षात कहले हे भोलानाथ आपण कौन करुछंती आपण देइथिबा बर व्यर्थ हो गला आपण बर देइथिले काशीराज को कौन पे बर देइथिले अजय हेबा पाई कृष्णन के ऊपर विजय हासिल करबा पाई किंतु कृष्णचंद्रनकर सुदर्शन चक्र रे काशीराजनकर शिरछिन्न हो जाइछि। महादेव किछि न विचारी हठात रुद्रमूर्ति धारण कर धाइले निजर से रुद्र त्रिशूल को धरी धाइले कृष्ण विरोध में संग्राम करने जितेबाला पहुँच जाइंट कृष्णंकर एवं शिवंकर युद्ध तीव्र युद्ध है। त्रिशूल जितेबाला छाड़ी देइछन्ति शंकर भगवान काशीनाथ भगवान सुदर्शन चक्र रे से त्रिशूल तेज को हीन करदेले। सेतेबेले काशी विश्वनाथ कृष्णचंद्र को स्तुति करी कहले देखंतु मो भक्त को उद्धार करबा पाई मो संकल्पबद्ध चाहे जहा है जाऊ मो रुद्रमूर्ति धरी वर्तमान संहार करबा पाई प्रस्तुत है जीवी। कृष्णचंद्र कहले हे काशी विश्वनाथ आपण जहाँ चाहूँगी ताहा हव कहतु कौन चाहूँगी ना प्रथमे मो भक्त को जीवन्यास दियंतु। भगवान कृष्णचंद्र एपरी माया कले जे काशीराजंकर मस्तक छिन्न मस्तक पुणी जोड़ी होगला। तापर कृष्णचंद्र कहले कौन वर मागुंट मागंतु ना मो भक्त जहाँ वर मागिब आपण ताहा ही देवे। जेतेबेले काशीराज को कृष्णचंद्र पचारे हे काशीराज तुम्हें कि वर मागुछ माग। काशीराज कहले मु यही वर मागुची जे मोर काशी विश्वनाथ सर्वश्रेष्ठ देवता हेबे देवता मानक भितर ईश्वर हेबे तांको ऊपर आउ कोनोसी देवता रहिबे नाही सर्वश्रेष्ठ लिंग है पूजा पाइबे भूमंडल रे। हेले कृष्णचंद्र कहले भगवान कहले हे काशीराज धन्य तुमर इष्ट भक्ति धन्य तुमर इष्ट भक्ति धन्य तुमर प्रार्थना निश्चित पूर्ण हव। कृष्णचंद्र कहले तथास्तु किंतु सर्वश्रेष्ठ लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग ऊर्ध्वरे मध्य श्रेष्ठतम लिंग भाव से पूजा पाइबे एठी नुह एकाम्र कानन रे एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र रे। काशी विश्वनाथ एकाम्र क्षेत्र रे आसी हरिहरंकर जुगल विग्रह भाव रे लिंगराज रूप रे प्रपूजित होउछंती। आम उत्कल रे ओडिशा रे लिंगराज मंदिर हेउची सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग रा आराध्य लिंग होउछंती लिंगराज कारण से होचंती हरिहर जुगल विग्रह सेठारे थिबा कृष्ण एवं भगवान शंकर परस्पर परस्पर को आलिंगन करिथिले। से आलिंगन मुद्रा से आलिंगन रूप आज एठारे एकाम्र कानन रे भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर रे विशाल सर्व बृहत लिंग भाव रे पूजा पाउछंती श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जहा जहा नीति ताहा लिंगराज मंदिर रे यथावत पालित होउची प्रसाद सेवा नीति पूजा कांति सबू ठीक सही परि भाव रे साधित होउची। किंतु शंकर भगवान कहले मोर गोटे इच्छा अछि हे कृष्णचंद्र मो आपणक पाखरे नित्य सानिध्य रे नित्य सन्निधान रहिबी। कृष्णचंद्र कहले मु तो खूब कम दिन भितरे द्वापर युग शेष करी निजे स्वधाम गमन करी तेबे कलिजुगे निश्चित भाव रे तुमर आशा पूर्ण करी। हे शंकर भगवान मोर श्रेष्ठ धाम चारि जुगरे जे अचल अविचल रही सेई धाम हेउची पुरुषोत्तम धाम। सेई पुरुषोत्तम धाम रे श्रीक्षेत्र रे आपण मोर द्वार रे सिंह द्वार पारी हेला बेलको बाम पार्श्व रे रहिबे आपण को मु दर्शन करी आपण मते दर्शन करेंगे जेते भक्त आसबे प्रथमे आपण को दर्शन करेंगे। सही स्थान रही मोर भक्त मान को आपण करुणा दृष्टि देवे एवं सही स्थान रे आपणकर इच्छा वांछा पूर्ण हेब नित्य सन्निधान रे आपण रहिबे एवं प्रत्येक दिन आपण सही कैवल्य खला बा कैवल्य निधान द्वाविंशति सोपान 22 पहाचरे अन्न आग कुड़ुआ बिक्री होता 22 पहाच पका कैवल्य होउची बिका हांडिक पड़े सिउका मनरंका छड़ाइबा। से 22 पहाचर अवतरणिकारे रही स्वयं काशी विश्वनाथ जहाँ को दर्शन करी जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन कले समस्त मंगल समस्त कल्याण हुए। तबे काशी क्षेत्र निवास जे काशी क्षेत्र निवास करिव ताहार अनंत पुण्य हव। काशी विश्वनाथ का कृपारु काशी धाम है जाइछंती पंडित मानकर ज्ञानी मानकर धाम। सर्वज्ञानी गण कहती काशी पंडित भूष पंडित नहले काशी पंडित। वाराणसी रे प्रथमे थिला संस्कृतर विद्या निकेतन एवं भारतवर्षर कोणानुकोणरू आसुथिले विद्यार्थी माने संस्कृत अध्ययन करिवा पाई। वेद वेदांत उपनिषद पुराण भगवद गीता इत्यादि न्याय शास्त्र दर्शन शास्त्र मंत्र तंत्र ज्योतिष एवं आयुर्वेद ज्योतिर्वेद हो आयुर्वेद हो समस्त वेद एवं उपवेद शाखा मान सहित काशी धाम रे ताहा सुलभ एवं पंडित माने सेठारे अध्ययन करी निज निज अंचल को जाई संस्कृत शिक्षार प्रचार करुथिले। आर्यावर्तर भारत भूमिर भाषा होचे संस्कृत भाषा। जो संस्कृत भाषा रे रहिछि पूरी रहिछि आमर समस्त दार्शनिकता समस्त तत्व समस्त तथ्य आमर जीवन आमर अमृतत्व वेदर तत्व सबु पूरी रही संस्कृत भाषा रे। एवं से संस्कृत भाषार प्रधान पीठस्थल बा शिक्षण प्रशिक्षण स्थल होउछि काशीधाम। जो काशीधाम रे भगवान शंकराचार्य आरंभ करी गोस्वामी तुलसीदास आरंभ करी अनेक आचार्य मधुसूदन सरस्वती इत्यादि अनेक अनेक आचार्य संत से माने काशीधाम रही निजर गुरु शिष्य परंपरा सृष्टि करिछंती। तैलंग्य स्वामी एही स्थान रे काशीधाम रे रहुथिले। किछि भोजन करंती नाही। दीर्घ 300 ऊर्ध्व बयस वर्ष 300 अधिक वर्ष से जीवन धारण करिथिले। आ विशुद्ध गंगा जल सेवन करुथिले प्रतिदिन। केवल गंगा जल सेवन करी से जीवन निर्वाह करी 300 अधिक वर्ष से बंचिथिले। तेणु काशी धाम होउछि काशी विश्वनाथंकर कृपा कैवल्यर धाम। जो शंकर भगवान स्तुति आम आरंभर करुथिले। काशी संकली कलम सौघ समनं कल्याण कलपद्रमं। जो काशीश्वर होउछंती कलिजुगर कलमस पाप तापर से होउछंती अपनोदनकारी। पाप ताप को प्रशमन करंती से ही काशी विश्वनाथ होउछंती कल्याणर कल्पद्रुम मंगलर कल्पलता से होउछंती। नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। जे कंदर्प को भस्म कर देथिले जो शंकर भगवान जे गिरिजांकर पति जे पार्वती पति से देखा केमिति शंकर भगवान। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनु शंख परि धवल इंदु माने चंद्र परि धवल अतीव सुंदर तनु शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम। तेणु सुंदर शरीर धारण करिछन्ति शंकर भगवान। शंख इंदु आभं अतीव सुंदर तनु पिंधिचन्ति कौन शार्दूल चर्मांबरं। शार्दूल व्याघ्र चर्म को अंबर लुगा करी पिंधि थांती एवं काल ब्याल कराल भूषण धरं। काल सर्प कराल काल सर्प को से भूषण करिछंती हार करिछंती। कंठे जार हार होइछि काल। काल को कंठ रे जे कवलित करिछंती। गंगा शशंक प्रियं गंगाधर एवं शशधर से शंकर भगवान। काशी विश्वनाथंकु कोटि कोटि प्रणाम। जय शंकर भगवान जय शंकर भगवान।